वालेकुम गाइस। अच्छा, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ आपके सामने। तो अच्छा, सब दोस्त पूछ रहे हैं कि बीसी गेम को खेलने का ट्रिक जो है वो बताएं कि इसको कैसे खेलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी लॉस हुआ था, उस टाइम मुझे उस ट्रिक का नहीं पता था। तो अब यह है कि मैंने वो उस ट्रिक के हिसाब से खेलने स्टार्ट किया, जब से तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बीसी गेम को किस तरह खेलना चाहिए और ट्रिक के साथ। तो अब इसको ओपन करता हूँ मैं। आप ट्रिक के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह आपको जो है ना कभी भी जो है ना लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यार जा रहा हूँ कसिनो में। अच्छा, ट्रिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ़ एक गेम के लिए, सब के लिए नहीं है। ठीक है, जो मैं खुद ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये है क्लासिक। एक मिनट, ये दूसरी लग गई, इसको इधर करके मैं ये क्लासिक लगाता हूँ। क्लासिक डाइस इसका नाम है, मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये वाली गेम है, आपने सबसे पहले और इसको ओपन करेंगे तो इस तरह शो होगा आपके सामने। ठीक है, इसको आपने ये फुल लेके जाना है शॉप पे, मतलब सेफ़ खेलना है हमने, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि आपने सेफ़ खेलना है और दूसरी चीज़ ये कि लालच नहीं करनी। ठीक है, मैंने जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो मैंने थोड़ी सी लालच की थी, मैंने 300 TRX बना लिए थे। 300 TRX मैंने डबल के चक्कर में शॉट खेली तो मेरे मतलब 92 आके TRX रह गए थे, मतलब ट्रिपल पे नुकसान हो गया था मेरा। तो अब ये कि मैं उस ट्रिक के थ्रू खेलता हूँ तो अब मुझे नुकसान नहीं होता, आस्ते आस्ते मैं अपना नुकसान जो है ना वो रिकवर कर रहा हूँ। तो आप जो है वो इस तरह रिकवर कर सकते हैं, बरहाल आपने लालच नहीं करनी। जिस दिन आपने थोड़ी सी लालच की ना कि चलो मैं एक और खेल लेता हूँ डबल शॉट या डबल अर्निंग के चक्करों में पैसे डबल कमा लूँ, तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपका वो जो सारा होगा ना बैलेंस, सारा का सारा बैलेंस उड़ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ थी एम, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। जी, ये ऊपर कर लिया, ये देखो यहाँ पे कितने हैं मेरे पास। हालांकि मेरे पास ये कितनी पड़ी है रकम, BS कितने ज़्यादा पड़े हैं, पर मैं कितने लगा रहा हूँ, कम से कम मिनिमम जो है 18 लगा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप 18 पे ही रख के खेल सकते हो, पर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, 37 रख लिया, 18 का डबल 37 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने 37 रखना है, और यहाँ पे ये 50 पे था इसको ये देखें, ये यहाँ पे पहले 50 पे था ना, इसको यहाँ पे कर देना है, ये 98 तक आता है, ये देखो शो हो रहा है 98 तक, यहाँ पे 98 लिखा होगा। एक मिनट, मैं ये देख दिखाता हूँ, ये 98, 99, और जो 100 होता है अगर यहाँ पे हमारा चला गया तो हमारे कितने माइनस होंगे, ये 37 BS माइनस होंगे। अगर इससे पहले पहले ये मतलब 98 से पहले पहले यहाँ पे कहीं पे भी जाता है ये डाइस से छक्का कह लें तो आपका मतलब आपको लॉस नहीं होगा। अभी मैं खेलता हूँ, आपने एक चीज़ का इंतज़ार करना है। अभी देखो मैं खेलता हूँ पहले आपके सामने। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे देखो 0.37 की अर्निंग हो रही है। अगर यहाँ पे मैं डबल करूँगा तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी, पर यह है कि मैं सेफ खेलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्लो अर्निंग हो पर मुझे अर्निंग होनी चाहिए, पर मैं नुकसान में ना जाऊँ, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पर 35 रखा हुआ है और 37 रखा हुआ है, और यहाँ पे मुझे स्लो अर्निंग हो रही है। अच्छा, आपने शार्ट कहाँ पे मतलब आपने जो है ना अपनी अमाउंट किस जगह बढ़ानी है। अब देखो यहाँ पे मैंने 37 किए हैं तो मैं कब बढ़ाऊँगा अमाउंट, वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वही मैं ट्रिक बताने लगा हूँ अभी आपको। ये मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, ये थोड़ी सी वीडियो आप बड़ी हो जाएगी, तो जिस भाई ने सही समझना है तो ये वीडियो को वॉच करें सही तरह, तो इंशाल्लाह उसको समझ आएगी और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएगा, मतलब डेली का अर्निंग कर लेगा अच्छी खासी। ठीक है, ये देखो 94 पे आया, ये इसको चलने दो, ये आपने नीचे अमाउंट कम रखनी है 37। अभी ये मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं इसको खेल रहा हूँ। ठीक है, देखते जाओ, जब मैं हारूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अभी हारा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना ये देखो 0.37 प्लस होता जा रहा है इसमें, इसको मैं करता हूँ चले। नवाब भाई, आपके लिए भी स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने भी वैसे पूछा था, तो मैं आपकी बदौलत ये यहाँ पे इस चीज़ पे पहुँच जाऊँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई इस चीज़ की, बीसी गेम कैसे खेलते हैं स्पेशल इस गेम की। ठीक है, इसका नाम ये है क्लासिक डाइस। बाकी भी इसमें बहुत सी गेम है, अनलिमिटेड गेम्स हैं और उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा, बट उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं खेलता खेलता हूँ 3-4 गेमें खेलता हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा खेलता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ट्रिक आ गई है इसकी, कि इसको कैसे खेलना है। इसमें अगर आप
ये देखें, अब ये देखें 99.59 हो गया ना, मतलब अभी मैं अभी आपने यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा देनी है क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आगे मुझे अर्निंग होगी, तो मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा। ये देखें ये रोज़ है, मैं एहतियातन यहाँ पर भी आपने सेफ खेलना है, ठीक है, यूँ ना हो कि आप ये जो है इसको मैक्सिमम कर दो, आपने मैक्स नहीं करना। मैं इसको लगाता हूँ, ये इसको पकड़ के 5 TRX, ये देखो ये 5 TRX हो गए यहाँ पर। अब मैं रोल नाउ करता हूँ, मुझे पता है कि इधर जाएगा क्योंकि मुझे लॉस हुआ है ना ऊपर, ये देखें रेड कलर का, इट मींस इसके बाद मुझे फ़ायदा होगा। तो पहले मैंने 37 रखी थे, ठीक है, BS, अब मैंने कितने रख लिए ये देखो, पता नहीं कितने हैं, ये 100,000 मतलब 10 लाख हैं, तो मैंने 10 लाख पे रख कर रोल नाउ किया, ये देखो मुझे कितना फ़ायदा हुआ ऊपर। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इतना ज़्यादा कैसे फ़ायदा हुआ है। अब ये मैंने कर दिया, अब मैं इसको फ़ौरन से नीचे ले आऊँगा, मतलब एक मिनट, ये जो मेरी अमाउंट थी ना पहले 37, तो मैं इसको 37 करूँगा, ये /2 है, इसको मैं करता जाऊँगा कम, मैंने इसको कम कर देना है क्योंकि मैंने ये ट्रिक खेल ली इनके साथ। अभी मैं 37 पे रख दिया, 37 पे रख के फिर से ये खेलो। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये नीचे आएंगे ना तो ये जो है ये zigzag बना हुआ है या रस्सी टाइप समझो बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अंदाज़ होगा कि अभी आपने कितने अर्न किए हैं। ये देखें 10,329 मैंने अभी विन किए हैं BS, और कितनी टोटल गेम्स खेली हैं, 36 खेली हैं जिनमें से 35 मैंने विन किए हैं और एक लॉस किया है। एक लॉस किस पे की थी मैंने, 37 पे लॉस की थी मैंने, जैसे लॉस की तो मैंने मुझे पता चल गया कि ये अगली दफ़ा जो है ना 99 या 100 पे नहीं जाएगा, बल्कि ये लूडो जो है ये इधर जाएगा, छक्का ये इधर ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने फ़ौरन अपनी यहाँ से बढ़ा दी थी, यहाँ पर मैंने 5 TRX कर दिए थे। तो अभी फिर से खेलता हूँ, अच्छा मैं रोल नाउ करता हूँ, अभी आप देखते जाएँ सिर्फ, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आपके प्लस हो रहे हैं 0.36, क्योंकि यहाँ पे 37 हैं तो 0.37 प्लस होंगे। फिर से खेला, खेलता जाऊँगा जब तक मैं हारता नहीं तब तक खेलूँगा, जब हारूँगा तो मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूँगा। ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी पर ये कि आपको ट्रिक समझ, अभी देखें यहाँ पे मैंने हार लिया ना, थोड़ी सी बड़ी वीडियो आपको समझ आएगी। ये देखें मैंने हार गया यहाँ पे, मैं 98 हो गया, तो मैं फ़ौरन से यहाँ से अपनी थोड़ी सी रकम बढ़ा दूँगा, ये 37 है तो मैं इसको ले जाता हूँ, ये साथ ही आपको कितना है 0 TRX है, मैं इसको 5 TRX पे ले जाता हूँ। वैसे तो मैं जो खुद खेलता हूँ ना मैं तो फुल ले जाता हूँ, मैक्स कर देता हूँ, पर आपने मैक्स नहीं करना, आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इसलिए आपको मैं सेफ मतलब खेलने की मशवरा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर 6 TRX हो गया है। अब मैं मुझे पता है कि ये यहाँ पे मैं हारा हूँ, अभी मुझे पता है कि ये इधर जाएगा इस साइड पे, तो यहाँ पे मैंने 6 TRX करके ये देखो पता नहीं कितने ये BS बनते हैं, तो मैं इसको रोल नाउ करता हूँ, रोल नाउ करने से मैं जीत जाऊँगा। ये देखें ये ट्रिक, अब मैं जीत गया। अब फ़ौरन से आपने ये रोल नाउ दोबारा नहीं करना, आपने इसको अपनी जो अमाउंट है इसको कम कर देना है, ये मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ, मैं 37 पे आ जाता हूँ दोबारा से, 37, 175, 37, हाँ ये देखो 37 पे ला गया मैं, इससे इसको क्लियर करेंगे तो मतलब अगर 50 था तो 25 होंगे, अगर ये X2 को क्लियर करेंगे तो ये 50 था तो 100 हो जाएगा, तो मैंने 37 पे लेके आया, ठीक है। अब मैं रोल नाउ करूँगा, फिर मैं हारने का वेट करूँगा, जब तक मैं हारता नहीं तब तक मैं इसको रोल नाउ करता रहता हूँ। ये बहुत अमेजिंग जो है ना ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे इसने बहुत फ़ायदा दिया, ठीक है। मैं अभी खेल रहा हूँ, खेलता जाऊँगा, जब तक हारूँगा नहीं तब तक खेलता जाऊँगा, जैसे हारूँगा मैं स्टॉप कर दूँगा। फिर साथ ही मैंने नीचे से अमाउंट थोड़ी सी 5 TRX कर देनी है, अभी मैं जीत रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको शो होगा, ये देखें जहाँ पे मेरी रकम ऊपर लिखी है ना TRX उसके नीचे, आपने ये जो है ना इसको आपने कहीं भी नहीं छेड़ना, इसको आपने ये फुल करना है, यहाँ पर 98 तक होता है, और खेलते जाएँ खेलते जाएँ। ये क्लासिक डाइस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी आपने जो गेम्स हैं उनके उनमें इस तरह नहीं करना, ये सिर्फ इसकी इस गेम की ट्रिक है। किसी वीडियो बड़ी हो जाएगी बट ये कि आपको समझ इंशाल्लाह आएगी और आपकी इसमें अर्निंग होगी, और इसमें आप कम से कम $2-3 भी रिचार्ज कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, उससे खेल सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लाजमी कि आपने $30-15, तो एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं ये पहले तो ये आपको सिखा दूँ मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूँ, जब मैं हारूँगा तो मैं इसको स्टॉप करके
एक ट्रिक लगाऊंगा अपनी। ये देखो अब मैं हार गया, ये 98 आ गया। अब मैं फ़ौरन इसको ऊपर करके यहाँ पे अपनी अमाउंट फिर से बढ़ा दूंगा, यहाँ एक्स टू को क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये देखो इसके ऊपर 0.000200 है TRX, मैं इसको 5 TRX पे ले जाता हूँ। इसको एक्स टू क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, ये आपकी रकम बढ़ती जाएगी। ये 6 हो गया, ठीक है। अब 98 पे मैं हारा था ना, तो अब मैंने इसको 6 TRX रख दिया यहाँ पर, और अब मैं रोल नाउ करता हूँ। ये देखिए मुझे कितना फ़ायदा हुआ, ये ऊपर देखें। अब इसका ग्राफ चेक करता हूँ मैं नीचे जाके, ये देखें ग्राफ से पता चलेगा कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। इसको क्लिक किया, ये देखें 3 गेमें हारा हूँ और 3 और 91 मतलब 94 गेम्स खेली हैं, 3 हारा हूँ और 94 जीता हूँ, और मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, 35,480 BS का फ़ायदा हुआ है। इस तरह ही आपने ट्रिक करते जानी है, ठीक है। अब मैं लास्ट टाइम करता हूँ फिर आपको समझ आएगी। लास्ट टाइम मैं करता हूँ, ये देखें मैं अपने, आपने अब उसको रोल आउट नहीं करना, ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। अगर ये आपने चेक नहीं किया ना, अमाउंट आपकी यही पड़ी हो और यहाँ पे आपने कर दिया और ये 98 पे आ गया गलती से भी, तो आपके ये कितने उड़ जाएंगे, ये सारी रकम आपकी उड़ जाएगी, यहाँ से खलास हो जाएगी, उड़ जाएगी आपकी सारी रकम, ठीक है। सो आपने अपनी रकम को खलास नहीं करना, उड़ाना नहीं है, हमने सेव कर लेना। अभी आपने फ़ौरन इसको पहले यहाँ पे कर देना है कम, 37 पे लेके जाना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, 37 पे ले जाता हूँ, 37, ये 37 भी आ गया। अब मैं फिर से खेलता हूँ, जब तक मैं हारता नहीं तब तक मैं खेलता रहता हूँ, मैं हारने का वेट करता हूँ, ठीक है। 37 रख के आप रोल नाउ करते जाओ, लगाते जाओ बीट, लगाते जाओ गेम, लगाते जाओ। जैसे मैं हारूंगा तो मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर मैं वही ट्रिक यूज़ करूंगा जो पहले मैं करता है। अपनी रकम बढ़ा देनी है, 6 TRX कर देनी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। मैं अब जैसे मेरे पास है ना, मेरे पास है 101 TRX है, तो मैं अपनी क्या करता हूँ, 101 लगा देता हूँ, कभी 95 TRX लगाता हूँ। पर ये होता है कि रिस्की होता है, अगर मेरा वही अगर 98 पे तो 99 या 100 पे चला गया ना, तो मेरा सारा का सारा बैलेंस यहाँ से उड़ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने ये बेवकूफ़ नहीं करनी, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपने लिए करता हूँ, मतलब मैं रिस्क लेता हूँ, आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इसमें आपने थोड़ी सी लालच की ना कि चलो मैं ज़्यादा कमा लूँ या ये कर लूँ, तो आपको नुकसान होगा। मुझे ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी मैं उस हिसाब से खेल रहा हूँ, अपने हिसाब से। आपने अपने हिसाब से खेलना है, यहाँ पे 37 रख के फिर आपने ये गेम लगाते जाना है, ठीक है। रोल नाउ करते जाना है, रोल नाउ करते जाना है, जब तक आप हारते नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत स्पेशली मैंने ख़ास करके आप लोगों के लिए बनाया और नवाब भाई के लिए बनाया, जिन्होंने मुझे इस गेम का मशवरा दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये आप कर लो, इसमें बहुत फ़ायदा है, तो बिल्कुल इसमें फ़ायदा है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो भी इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए बहुत ख़ास होगी। अभी मैं खेल रहा हूँ ताकि मैं हारूँ, इसलिए मैंने 37 रखा है कि अगर मैं हारता हूँ तो मुझे कितना लॉस होगा, 37 BS का होगा, बस टोटल 37 है। फिर मैं जब हारूँगा तो फिर मैं साथ ही ट्रिक लगाऊँगा, रकम बढ़ा दूँगा अपनी। अभी मैं हारने का वेट कर रहा हूँ, गेम लगाते जाओ। जैसे मैं हारूंगा तो मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। इनको भी पता चल गया कि ये हमारे साथ ट्रिक लगा रहा है गेम वालों को ना, तब ये देखें मुझे नहीं हरा रहे। एक मिनट जी, अब ये देखो मैंने लॉस कर लिया, तो अब एक मिनट जी, ये मुझे लॉस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर करके ट्रिक लगाऊंगा, क्या करूँगा वो यहाँ पे 0 पॉइंट है ना, एक मिनट ये देखें 0.000200 TRX, तो मैं यहाँ पे 6 TRX करूँगा। तो मैं इसको क्लिक करते जाऊँगा एक्स टू को, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये जो ऊपर नीचे एरो बना हुआ है इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें 5 TRX बना दिया। अच्छा सॉरी गाइस यार, ये बच्चे आ रहे हैं इसलिए वो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, मैंने 6 TRX कर दिए। अब ये देखो मैं यहाँ पे हारा हुआ था 98, अब मैं स्क्रॉल नाउ करता हूँ, ये देखो मुझे कितना फ़ायदा हुआ, 11,885 का। तो अब ये मैं जीत गया, रोल लगा दिया। अब फ़ौरन से मैं अपनी रकम, अमाउंट जो है वो कम कर दूँगा, 37 पे ला दूँगा दोबारा से।
37 अमाउंट, ये 35 पीछे किया 18 है तो ऊपर करूँगा तो ये 37 हो जाएगा। ये देखो 37 हो गया। अब मैं वेट करूँगा फिर हारने का, खेलता रहूँगा। तो ये चीज़ थी, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक थी मतलब जीतने का, अर्निंग के लिए। अब मैं ये देखो, ये नीचे गया और अपना ग्राफ चेक किया कि मैं कितना जीता हूँ कितना। तो ये देखें 47,370 मैंने BS जीत लिए हैं और 4 लॉस किए हैं और 154 जो है ना 154 जीती हैं गेम। मतलब अगर ये मैं हारता ना, मुझे लॉस होता, मैं हर बीट में, हर जो है वो गेम में लगाता ज़्यादा ज़्यादा, तो ये ग्रीन है ना ऊपर लगा हुआ है, ये फिर नीचे चला जाता, मतलब शो करता है कि आपको नुकसान हुआ है। ऐसे ये देखो गौर से, ये नीचे रेड है ना लाइन, तो ये अगर लॉस होता तो ये सारा नीचे ग्राफ हो जाता रेड कलर का। तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की, अब मैंने इतना कमा लिया है 47,370 BS। तो इस तरह आप भी जो है वो कर सकते हो। अच्छा, जो लास्ट चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये कि ये देखें यहाँ पे, इसको क्लिक करें, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, ये व्यू एंड फ्लैट, व्यू एंड फ्लैट में जाना है, ये इसको क्लिक किया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर इसको दोबारा से क्लिक करना है व्यू एंड फ्लैट को, ये जो ये है व्यू एंड फ्लैट को दोबारा से क्लिक करना है, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आपने अपनी करेंसी किस में रखनी है, आपने जो आपका RS शो होगा, ठीक है, आपने जो भी आपका RS ये पाकिस्तानी है, ठीक है, PKR, तो आपने VEF BS में रखना है। ये जो करेंसी होती है ना, इसमें हमें अर्निंग ज़्यादा होती है, इसमें स्लो होती है PKR में, और यही वजह है कि मैंने BS रखा हुआ है, ये देखें BS रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने VEF BS रखना है, यहाँ पे रख के खेलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा, जब आप विड्रॉ की बात करें तो ये वॉलेट है, मैं वॉलेट पे गया। अब ये देखें मेरे पास कितने हैं, TRX 104। अच्छा, TRX की बात करें तो 236 आपके पास TRX होने चाहिए तब आप विड्रॉ लगा सकते हो। और दूसरा इसका ये है सीन कि आप अगर कहते हो कि मैं 110 TRX पे विड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकते हो। वो ये होगा कि आपने पहले BC स्विप, मतलब यहाँ से कोइन चेंज करते हैं। अभी मेरे पास TRX है ना, तो मैं TRX से किस में चेंज करूँगा, इसको पहले क्लिक करता हूँ, ये इसमें गया। अब यहाँ से TRX को मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने जाना है डॉग में, डॉगी, डॉगी कहाँ गई, इधर आनी तो चाहिए जी। चलो, वो जब हम बाद में विड्रॉ करेंगे ना तो मैं उस टाइम आपको दिखा दूँगा, अब यहाँ पे शो नहीं हो रही डॉग डॉग। अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे शो नहीं। तो आपने, आप कहते हो कि मैं 110 TRX पे विड्रॉ कर लूँ, तो आपने पहले इसको TRX को डॉगी मिलाना है, डॉगी मिला के फिर आप यहाँ पर विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, ये विड्रॉ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका था आज का ट्रिक लगाने का, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।